दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे डेजिग्नेशन ऑफ मैग्नेटिक बेयरिंग। तो देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक बेयरिंग या फिर यू कहूँ कि जो हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन से जो हम लोग एंगल लेते हैं, उस एंगल को मेजर करने का कुछ रूल्स होता है यहाँ पे, ठीक है। हर बार हम लोग मतलब अपने हिसाब से एंगल कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो एक तो सिंगल सिंपल यहाँ पे रूल जो है, सबसे ईजिएस्ट जो रूल है वो है होल सर्कल बेयरिंग। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ होल सर्कल बेयरिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये हम लोग का नॉर्थ पोल है और ये हम लोग का साउथ पोल है, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो नॉर्थ हम लोग सपोज कर लीजिए, मान के चलते कि हम लोग ये लाइन लिए, ठीक है, 66 डिग्री का हम लोग एक एंगल है, ठीक है, जो कि हम लोग सर्वेइंग के लिए यूज करने वाले हैं। तो नॉर्थ से 66 हम लोग काउंट करेंगे तो वो क्या होगा, क्लॉकवाइज हम लोग नॉर्थ से काउंट करेंगे। फिर अगर हम लोग को 165 भी काउंट करना पड़ेगा तो फिर हम लोग क्लॉकवाइज ही करेंगे, और फिर अगर हम लोग को 330 भी काउंट करना होगा तो हम लोग उसको भी क्लॉकवाइज ही करेंगे, ठीक है। तो ये होता है होल सर्कल बेयरिंग, मतलब पूरा सर्कल बना करके बेयरिंग लिया जाता है। इसका जो रेंज है वो 0 से 360 के बीच में लाई करता है, इतना तो आपको समझ में आ रहा हो कि ये 0 डिग्री है, इसी को घुमा करके 360 ले आना है, तो फिर क्या होगा कि वो 0 से 360 इसका रेंज जो है वो लाई करना चाहिए। तो ये होता होल सर्कल बेयरिंग, ठीक है। और ये WCB का जो निकालने का तरीका है, तो उसको प्रिज्मेटिक कंपास एक तरह का ऑपरेटस होता है, उसके हेल्प से निकालते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बनाया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है होल सर्कल बेयरिंग ए से बी तक। अगर आप देखिए हम लोग यहाँ पे जो कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम लोग या फिर काउंटर क्लॉकवाइज हम लोग मेजर करते हैं नॉर्थ या साउथ पोल से, ठीक है। और जिस तरफ लाइन हम लोग उस तरफ जाते हैं उसको मेजर करते हुए, ठीक है, ईस्ट या वेस्ट की तरफ, इसको हम लोग क्वाड्रेंटल बेयरिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। बेसिकली आप लोग मैथ्स में भी पढ़ते हो, क्वाड्रेंट होता है क्या होता है कि एक प्लेन को अगर चार हिस्सों में बांटे तो उसको क्वाड्रेंट कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या क्या क्वाड्रेंट होते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के क्वाड्रेंट होता है NE, ये होता है एक क्वाड्रेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला जो हिस्सा है ये एक क्वाड्रेंट हुआ। इसके बाद आता है साउथ ईस्ट का जो क्वाड्रेंट होता है यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस साउथ ईस्ट इधर से इधर तक का जो क्वाड्रेंट होता है। फिर आपका आता है साउथ वेस्ट, जो कि यहाँ से यहाँ तक, एक सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का जो क्वाड्रेंट होता है वो, और उसके बाद आता है लास्ट में नॉर्थ वेस्ट का जो क्वाड्रेंट होता है वो यहाँ से यहाँ तक आपका होता है। तो ये होता है क्वाड्रेंटल बेयरिंग। अगर आपसे पूछे कि जो लाइन सी है वो किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं क्वाड्रेंट एस और ई के बीच में लाई कर रहा है। अगर आपको इसको मेजरमेंट करने बोला जाए तो आप लोग इसको ऐसे बोलिएगा कि एस, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, साउथ से मेजर कर रहे हैं ईस्ट की तरफ, तो हम लोग लिखेंगे एस क्यू टू, जो कि इसका एंगल होगा ई, इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंटल बेयरिंग लिखने का एक तरीका है, जो कि काफी खूबसूरत तरीका है और बहुत आसान है ये समझने के लिए, ठीक है। इसका जो रेंज होता है एंगल का, वो हमेशा 0 से 90 डिग्री आता है, क्योंकि एक मैक्सिमम क्वाड्रेंट का जो एंगल हो सकता है वो 90 डिग्री हो सकता है, मिनिमम जो सकता है वो 0 हो सकता है। तो ये फंडा बहुत सिंपल है। अब आता है रिड्यूस्ड बेयरिंग। तो रिड्यूस्ड बेयरिंग किसको कहते हैं, ये सिंपल फंडा है कि जब हम लोग एक होल सर्कल बेयरिंग को क्वाड्रेंटल बेयरिंग में चेंज कर देते हैं तो उसको रिड्यूस्ड बेयरिंग कहते हैं। अब देखिए कैसे हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। मान के चलते हैं कि आपका जैसे होल सर्कल बेयरिंग है, ठीक है, मैं इसी को आपको चेंज करके बताता हूँ इसको क्वाड्रेंटल बेयरिंग कैसे करना है। ये आपके पास Q4 है, ठीक है ना, और यहां से यहां तक कितना होता है, अगर आप लोग N से देखिएगा W तक, तो ये 270 डिग्री होता है। तो ऑफ कोर्स Q4 यहां से यहां तक कितना होगा, 270 डिग्री माइनस Q4 होगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या, सॉरी 270 डिग्री प्लस Q4 होगा। और हम लोग को क्योंकि इधर से इधर तक का मतलब होता है, हम लोग हमेशा नॉर्थ या साउथ, साउथ से मतलब रखते हैं, तो हम लोग को नॉर्थ से ईस्ट तक जाना है। तो क्योंकि ये Q4 है और यहां तक टोटल ये 360 होगा, तो हम लोग को यहां से यहां तक कितना पड़ेगा, 360 माइनस Q4, ठीक है, हाँ 360 माइनस Q, सॉरी ये 90 डिग्री है यहां से यहां तक, ठीक है। तो अब यहां पे Q4 है मेरे पास, तो ये कितना बचेगा, ये हो गया 90 माइनस Q4। ये जब मेरा 90 माइनस Q4 होता है, तो उसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, उसको हम लोग लिखेंगे नॉर्थ एन एन 90 माइनस Q4 और उसके बाद W। तो यहां पे लिखने के बस मेरे पास जगह नहीं है, तो इसलिए मैं यहां नहीं लिख सकता, लेकिन बेसिकली इसी तरह से को लिखा जाता है। आप लोगों को बस इस बेयरिंग को इधर चेंज कर देना। तो ये टोटल फंडा है, रिड्यूस बेयरिंग इसी तरह से लिखते हैं। और 0 से 90 डिग्री WCB का अगर एंगल पड़े, उसको क्वाड्रेंट क्या देते हैं, एनी होता है उसको क्वाड्रेंट। लोग देख के भी आराम से समझ सकते हैं कि 0 से 90 जब भी पड़ेगा तो वो जो क्वाड्रेंट है वो एनी आएगा। फिर 90 से 180 जब भी पड़ेगा तो वो एस ई आएगा। फिर 180 से जब भी 270 के बीच में पड़ेगा तो वो एस डब्ल्यू आएगा। उसके बाद जब भी वो डब्ल्यू से एन के बीच में पड़े तो वो, सॉरी, जब 270 से 360 के बीच में पड़े तो वो क्या आएगा, आपका डब्ल्यू एन आएगा। तो ये कुछ सिंपल सा बात है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।